लोग आगे लेकर के नहीं जाएंगे। जातिवाद के चक्कर में कोई भी कैंडिडेट या फिर कोई भी लोग एक दूसरे पे आवाज उठाएगा, भड़काने की कोशिश करेगा, जातिवाद में बांटने की कोशिश करेगा या फिर अपना रोटियां सेकने की कोशिश करेगा, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे या फिर उनके खिलाफ जो भी हम कर पाएंगे वो हम करेंगे। ठीक है, आवाज उठाएंगे, विरोध करेंगे, चाहे वो हमको सपोर्ट करे या ना करे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जातिवाद का कोई सिस्टम ही नहीं है। आप सब आइए आगे, आपके जो बच्चे हैं उसके भविष्य के लिए हम काम करेंगे। पिछला जो 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके बच्चे में हम लगाएंगे और हम और आप मिल करके आपके बच्चे को और ऊपर लेकर के जाएंगे। जो उनका हक है वो हक हम उनको दिलाएंगे। तो ये सारी हमारी योजनाएं हैं। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आप लोग ये जो देख रहे हैं, जो मैं अभी पिछले साल भी यहाँ पे समाज सेवा के लिए कुछ काम किया, कोरोना काल में लोगों को, गरीबों को मदद किया, जिनके पास खाने की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी उनको हमने खाने के लिए प्रॉब्लम दिया। इसके अलावा और भी हमने काम कई सारे किए हैं दिल्ली में, जो हम लोगों को यहाँ पे बताना उतना सही नहीं समझते क्योंकि वो वहाँ का पार्ट है। आप सबको पता है कि अभी मुजफ्फरपुर में चिमकी बुखार आया था जिसमें बहुत सारे बच्चे मर गए थे, हर 5 मिनट में एक बच्चा मर रहा था। तो लोगों को ये पता भी नहीं है, तकरीबन 500 वायरस मैंने अपने जेब से अपने पैकेट से खरीद करके भिजवाया। यहीं पर लक्ष्मीपुर में एक दुकान है राकेश मेडिकल का, उसने वहाँ भेजा था, आप उनसे कन्फर्म कर लीजिएगा। वो बात किसी को नहीं पता, वो बात सिर्फ और सिर्फ उस राकेश को पता है जिसको हमने पैसे दिए। वो बात मुझे पता है जो मैंने भेजा और जो ट्रक यहाँ से जा रहे थे उस ट्रक में हमने लोड करवा दिया। कोरोना काल में आप सबने देखा, अभी कंबल का वितरण हो रहा है। आगे जब भी कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आए, एक और मुहिम है हमारा, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा वृद्ध है या फिर कोई ऐसा आदमी है जिसको डेली खाने में प्रॉब्लम हो रही है, उनको सुबह शाम का खाना, 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा, आप उनका नंबर या फिर उनका नाम आप हमें बता दीजिए। वो जिम्मेदारी हमारी है डेली बेसिस पर उनको खाना पहुँचाना और उनके लिए समुचित व्यवस्था करना। तो ये सब सारी योजनाएँ हैं। एक लास्ट सवाल आपसे ये है हमारा कि क्या ये जो पंचायती राज है, जो हम एक तरफ हम सेवा कर रहे हैं, ये समाज सेवा हमारा चलता रहेगा, दूसरी तरफ क्या ये पंचायती राज है जिसमें अभी इलेक्शन होने वाला है अगले 2 महीने या 3 महीने के भीतर, तो क्या अगर आप लोग बोलिएगा तो हम इस पंचायती राज में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, लड़ेंगे? अगर नहीं, हम अगर उस योग्य नहीं हैं तो आप हमारी कमियाँ बता दीजिए, उस कमियाँ को पहले हम दूर करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम या जब भी हमें लगेगा हम उस चीज़ को पूरा करेंगे। हमारा टारगेट ये है, अब आज हम सिर्फ भाषण में बैठे हैं लेकिन भाषण से लेकर के भारत तक की दूरी जो है वो तय हमें करना है। तो वो आज से शुरू हो, कल से शुरू हो, और ये शुरू जब आप लोग बोलिएगा तब से हम लोग शुरू करेंगे। बिकॉज अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो आगे सपोर्ट, फिर घर ही नहीं बनेगा तो फिर आगे बनने का कोई मतलब ही नहीं बनता ना। तो जो सवाल है आप लोगों के मन में, आप ओपन है किसी भी लेवल का कोई भी सवाल, हालांकि प्रतिनिधि इस चीज़ से भागता रहता है कि कोई ऐसा सवाल ना पूछ ले कि वो जवाब ही ना दे पाए, लेकिन मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, कोई भी सवाल आप लोग पूछिए और उसका मैं उतने ही प्यार से जवाब दूंगा जितने प्यार से आप घर वाले से बात करते हैं। मैं बिल्कुल भी विरोध नहीं करूंगा, चाहे आप मेरे विरोध का सवाल पूछ लीजिए, आप किसी भी पक्ष से आते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सवाल आपके मन में है वो आप पूछिए, एकदम ओपन है।